हाय गाइस, वेलकम टू एडुकुल द टीचिंग चैनल। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपके प्रीवियस टॉपिक के साथ ही रिलेट करता है, या आप कहें कि उसका ही एक पार्ट है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको डिस्कस किया था कि आज से हम छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे, आप इंजॉय करते करते लेसन को या कंसेप्ट को समझ सकें, आपके नोट्स भी साइड बाई साइड प्रिपेयर हो जाए, लेकिन छोटे छोटे, ज्यादा आपको कोई भी बोर होने की जरूरत नहीं होगी। आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो हैव थ्री एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। कौन कौन सी थी? फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजेंसी क्या है, नॉन फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, तीनों को हमने क्लियर किया था। लेकिन इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले फॉर्मल एजेंसी को लेंगे, जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट जितने भी लेटेस्ट लेक्चर्स आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेसन की, दैट इज फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इन फॉर्मल टाइप ऑफ एजेंसी एवरीथिंग इज डन इन फॉर्मल वे। जो फॉर्मल एजेंसी है हमारी एजुकेशन की, उसमें जो भी किया जाता है वो डायरेक्टली किया जाता है, फॉर्मल वे से किया जाता है। इट इज ऑल प्री प्लान्ड, देयर इज वेल डिफाइंड एंड क्लियर कट करिकुलम, सम डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड देयर। यहाँ पर प्री प्लानिंग होती है, यहाँ पर डेफिनेट और जो क्लियर कट करिकुलम है वो होता है, उसके साथ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक रूल होते हैं जिसे हमें फॉलो करना है, और ये डायरेक्टली हम किसी पर्पस के लिए देते हैं। जैसे हमारा स्कूल है, अगर हम एडुकेशन दे रहे हैं तो एक पर्पस है, एक मोटिव है, उसके थ्रू हम एडुकेशन दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन के अंदर, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली आपको एडुकेशन देती है। अब इसमें सबसे पहला जो है हमारा, एक जो एजेंसी है जो आपको डायरेक्ट एडुकेशन दे रही है, वो है हमारा स्कूल, हमारी पाठशाला। फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जो है उसमें स्कूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे मेन जो कहते हैं एजेंसी बोला जाता है। द स्कूल इज एन एक्टिव एंड फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। स्कूल क्या है? एक्टिव है और फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी विच हैज बिकम क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशन। जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता जा रहा है, हमारा कल्चर बदल रहा है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो रहे हैं हम लोग, वहाँ पे एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है या एक ऐसा सोर्स है जो हमें अपने जड़ों तक जोड़ के रखता है, प्लस हमारी जनरेशन को प्रीवियस नॉलेज तो देता ही है लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट हो रहे हैं उसके बारे में भी नॉलेज देता है। सो कि सबसे पहले हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मल एजेंसी क्या है, स्कूल है। स्कूल क्या है? एक्टिव एजेंसी है और स्पेशलिस्ट वे में आपको एजुकेशन देती है, जो हमारे कल्चर से हमें जोड़े रखने में मदद करती है, हमारी सिविलाइजेशन में हमें जोड़े रखने में मदद करती है। अब आता है स्कूल क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, स्कूल टर्म क्या है। जनरली हम कहेंगे स्कूल क्या है, आप कहोगे पाठशाला, विद्यालय एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन स्कूल क्या है? The term school is originated from the Greek word school, which means leisure. अब जो school है ये Greek word से लिया गया है, जिसका मतलब है leisure. The reason of associating leisure with school is that in the ancient Greece, liberal education was not meant for the masses. अब जो पहला टाइम था, जो पहले जो हमारे कुछ सदियां थी वहां पर कहते हैं, यहाँ पे तो उन्होंने डिस्कस किया है कि ग्रीस में लिबरल एजुकेशन अलाउड नहीं थी, हर एक इंसान के लिए एजुकेशन नहीं थी, कुछ जो लोग थे उनके लिए ही एजुकेशन दी गई थी। इट वॉज द प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी टू एंजॉय लिबरल एजुकेशन, हु हैड इनफ लेजर टाइम एट देयर डिस्पोजल टू कल्टिवेट हायर वैल्यूज ऑफ कल्चर। अब उनके पास क्या था, बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था, तो उसको फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जहाँ पे वो अपने सिविलाइजेशन को प्रमोट कर सके, अगली जनरेशन तक ले जा सके। तो
वहां से स्कूल के हम कहते हैं शुरुआत हुई है। ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है यूटिलाइजिंग द लेजर टाइम, फ्री टाइम। जब भी आप फ्री होते हो उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। और ये जो उन लोगों को दी जाती थी जो हायर क्लासेस के थे, अपर क्लासेस के थे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता था स्पेंड करने को, तो उनके पास कोई और सोर्स था नहीं, तो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को रिच करने के लिए, उसकी एजुकेशन देने के लिए उन्होंने स्कूल को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। यहाँ से स्कूल की जो है शुरुआत हुई। ओरिजिनल स्कूल एज एन एजुकेशनल एजेंसी। इन द पास्ट लाइफ ऑफ पीपल वॉज वेरी सिंपल। जैसे कि आप जानते हो पुराने जो लोग थे उनकी जो जीवन था, उनके जो लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल थी। चर्चेज एंड होम वर द मेन सोर्सेज ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन। चर्च हुआ करते थे या जो हमारे घर थे, यही जो हमारा मेन सोर्स होता था जहाँ पे हम बच्चों को क्या करते थे, एजुकेशन देते थे। द फैमिली प्रोवाइडेड चाइल्ड ऑल दोज एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस विच वर नीडेड फॉर हिज सोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और हमारी फैमिली ही क्या करती थी, हमारा घर ही क्या करता था, हमें वो सारे एक्सपीरियंसेस देता था जो जरूरी था हमें सोसाइटी में रहने के लिए और हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि वहाँ पे तब तक जो था स्कूल इतने ज़्यादा ग्रो नहीं हुए थे, तो फैमिली का ही मेन पर्पस होता था, मेन काम ये होता था कि जो आने वाली जनरेशन है वहाँ तक वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने सोशलाइजेशन को आगे लेकर जाए। लेटर रिलीजियस प्लेसेस लाइक टेम्पल, मॉस्क्यूज, चर्च बिगन टू सर्व दिस पर्पस। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे टाइम चेंज होता गया तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली, रिलीजियस प्लेसेस ने। जैसे गुरुकुल आगे उसमें क्या था, एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया गया, क्योंकि पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घरों ने ली थी, होम की थी, फैमिली की थी, कि अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम चेंज होता गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, टेम्पल्स की होगी, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। बट एज द सोसाइटी ग्रू कॉम्प्लेक्स एंड इट्स स्टोर ऑफ नॉलेज एनहांस्ड, द नीड ऑफ फॉर्मल एजेंसी लाइक स्कूल वॉज फेल्ट। लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, क्योंकि पहले बहुत साधारण जीवन हम जीते थे, बहुत ही सिंपल लाइफ होती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया हमारी लाइफ जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती चली गई, हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती चली गई। तो उसके लिए ज़रूरी हो गया कि एक ऐसी एजेंसी लाई जाए जो डायरेक्टली, जिसका काम ही क्या हो, एजुकेशन देना हो। The home, family and other informal agencies of education were found inadequate for efficient transmission of cultural heritage of future generation. मतलब कि जो कल्चर हेरिटेज है हमारा, वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है तो हमारी फैमिली या हमारे रिलीजियस प्लेसेस या हमारा होम या हमारी सोसाइटी जो है सफिशिएंट नहीं थी कि आपको वो प्रॉपर नॉलेज दे सके। इसलिए ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसी एजेंसी जो आपको सही तौर पर, और एक ही काम हो उसका कि आपको वो एजुकेशन उसने देनी है, तो वो क्या है, स्कूल की ज़रूरत जो है महसूस की गई। तब जाकर हमने क्या किया, स्कूल को डेवलप किया। इसके आगे बढ़ते हैं हम। ओटावे ने क्या एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, द स्कूल में बी रिगार्डेड एज द सोशल इन्वेंशन टू सर्व फॉर स्पेशलाइज टीचिंग ऑफ यंग। ओटावे ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है, स्कूल को हमने वो इन्वेंशन माना है जो सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि बच्चों को, जो यंगस्टर्स हैं, उनको स्पेशलाइज एजुकेशन दी जाए, एक विशेष एजुकेशन दी जाए, ताकि वो आगे जनरेशन को सही तरीके से डेवलप कर सकेंगे, अपनी कंट्री को डेवलप कर सके। नन व्यू, द स्कूल मस्ट बी थॉट ऑफ प्राइमरी नॉट एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग वेयर सर्टेन नॉलेज इज लर्न। नन ने कहा है कि स्कूल सिर्फ वो नहीं है जहाँ पे कुछ नॉलेज लर्न की जाती है, बट अ प्लेस वेयर यंग आर डिसिप्लिन, लेकिन वो जगह है जहाँ पे यंगस्टर्स को क्या किया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है इन ए सर्टेन फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज, लेकिन कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से, नेमली दोज दैट आर ग्रेटर मोस्ट परमानेंट सिग्निफिकेंस इन वाइडर वर्ल्ड। लेकिन उन चीज़ों का सिग्निफिकेंस, उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस दी जाती है, उन वो अनुशासन सिखाया जाता है जिसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वाइडर वर्ल्ड में। अगर बाहरी दुनिया की बात करें, अगर हम पूरी सृष्टि को लेकर चले, पूरे वर्ल्ड को लेकर चले, तो उन चीज़ों की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ें हम सिखाते हैं स्कूल्स में। ये किसने डिफाइन किया था, नन।
Davis View School is special environment where a certain quality of life and certain types of activities and occupations are provided with the object of securing child development along desirable lines. अब डेविड ने इसको डिफाइन किया है कि स्पेशल एनवायरनमेंट है स्कूल, एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पेशल एनवायरनमेंट दिया गया है, जहाँ पे कुछ क्वालिटीज जो है, सर्टेन क्वालिटीज ऑफ लाइफ जो है बच्चे की डेवलप की जाती है, उसमें एक्टिविटीज भी डेवलप की जाती है, ऑक्यूपेशन की नॉलेज भी डेवलप की जाती है, प्रोवाइडेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग चाइल्ड डेवलपमेंट. और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा, कि चाइल्ड डेवलपमेंट हो along the desirable lines, कि desirable ये हमारा motive है, उस motive को हमने पूरा करना है और इसके लिए हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, education देनी है ताकि वो quality life जी सके, ताकि वो proper अपने life में successful रह सके. DV ने इसको बहुत ही अच्छे से define किया है. जैसे कि आपने पढ़ा, इसमें special environment दिया जाता है जहाँ पे बच्चे की desirable change आएगी. In short, the school is a place where conserves and where in which we conserve and promote culture and civilization. Short में हम कहें कि एक ऐसा place है which conserve करता है, promote करता है किसको, culture को और अपनी civilization को. Prepares children for citizenship और बच्चों को prepare करता है किसके लिए, citizenship के लिए, society के लिए. Caters to the physical, vocational, moral, social need of the people. लेकिन ये ध्यान में रखें कि बच्चे की physical need भी पूरी हो, vocational need भी पूरी हो, moral और social need भी fulfill होनी चाहिए. वो इस काबिल बन जाना चाहिए कि वो सभी problems को solve कर सके. तो ये हमारा क्या है, school का मतलब है जो हमने इसमें discuss किया. अब अगला जो हमारा lesson रहेगा वो है इसकी importance और इसके function क्या है. एक टॉपिक में हम इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे और दूसरे में हम इसको फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना रहे. छोटे छोटे टॉपिक्स में आप डिस्कस करें. अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है या उसकी और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई टॉपिक ऐसा है जो एडुकेशन से रिलेटेड जो आपको जानना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए. हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द वो टॉपिक आप तक लेकर आए. बने रहिए हमारे चैनल के साथ. टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.